सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का आपके दोस्तों आज की इस कॉन्फ्रेंस से। बताएं फोन पे में बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे यूपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आज की इस कॉन्फ्रेंस से। देखो यानी कि आप फोन पे में बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे लिंक करेंगे, कैसे का यूपीआई रजिस्ट्रेशन करेंगे आज की इस पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करें छोटे तरीके से, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखें। इसके लिए आपको फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। जहाँ पे होगा फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे खुल चुका है। देखिए यहाँ पे टू नंबर कॉन्टैक्ट यानी किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे पैसा सेंड कर सकते हैं। टू बैंक यूपीआई यानी कि यूपीआई के थ्रू यहाँ पे किसी को बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पे पैसा सेंड कर सकते हैं। टू सेल्फ अकाउंट यहाँ पे आप किसी भारत के अंदर में किसी बैंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, जितना बैंक करेगा कोई सा बैंक के बैलेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का यूपीआई रजिस्ट्रेशन मुझे करना फर्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पे टू सेल्फ अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का पेज खुलकर रिडायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस तरह का पॉपअप मैसेज आपका खुलकर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे भारत के इतने भी टॉप बैंक रहेंगे, इतने टॉप लिस्ट में नाम रहेंगे। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम पेमेंट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे HDFC बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सारे टॉप बैंक की लिस्ट आपको ऊपर में शो हो जाएगी। जैसे मुझे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को सर्च करना तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे आ जाएगा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा बैंक है उस हिसाब से यहाँ पे बैंक को अपना सर्च कर सकते हैं जो आपका बैंक है यहाँ पे। जैसे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे आ चुका। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास इस तरह का यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग इस तरह का ऑप्शन खुल कर रिडायरेक्ट यहाँ पे करा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसका UPI ID आ चुका है, आपका ब्रांच कहाँ पे है, क्या नाम है, अकाउंट होल्डर का IFSC कोड क्या है, टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह का मैसेज आपके पास खुल गया। यहाँ पे UPI को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, देखिए एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना UPI ID को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो भी अपना पसंदीदा UPI ID यहाँ पे रखना चाहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसीड ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू ऐड के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके पास खुल के रिडायरेक्ट यहाँ पे करा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे UPI यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे UPI ID देखिए आपको मिल जाएगा। रिसीट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे कि आपको यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड मिला है, फिजिकल डेबिट कार्ड, अगर आपके वर्चुअल डेबिट कार्ड है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं है तो उसका वर्चुअल डेबिट कार्ड BOB World के थ्रू यहाँ पे जनरेट करेंगे। तब यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे मंथ एक्सपायरी डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना। चलिए फटाफट से पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल करके मैं प्रोसीड पे डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे 6 करेक्टर का यहाँ पे OTP आएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिटेक कर लेगा आपको। देखिए OTP जैसे रिटेक करेगा, नहीं रिटेक करता तो रिसेंट OTP पे क्लिक करके दोबारा से OTP मंगा सकते हैं। जैसे मेरे पास OTP आ चुका है, ऑटोमेटिक मेरा UPI OTP यहाँ पे रिटेक कर लिया, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं डाला जाता तो कुछ सब OTP को आप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेट UPI पिन यानी कि आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा 4 डिजिट का, यानी कि जिसको पैसा सेंड करेंगे या बैलेंस इंक्वायरी करेंगे वो ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पे डालेंगे तभी यहाँ किसी को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या बैलेंस चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 4 डिजिट का आपको यहाँ पे कोई सा पिन आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना। मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का यहाँ पे पिन क्रिएट कर लिया। इसका देखिए ये टिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कंफर्म UPI पिन यानी कि जो आप फर्स्ट में डाले वही पिन को दोबारा से यहाँ पे डालेंगे ताकि ये पिन आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाए। चलिए यहाँ पिन में डाल देता हूँ। इसका देखिए टिक मार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए इसके बाद थोड़ा टाइम यहाँ पर लोडिंग लेगा। देखिए आपको थोड़ा टाइम आपको यहाँ पर वेटिंग कर। देखिए यहाँ पर UPI पिन सक्सेसफुल सेट हो चुका है, यानी कि चलिए मैं यहाँ पर देखिए मेरा मैसेज आ चुका है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट यहाँ पर फोर लिंकेड योर अकाउंट UPI ID यहाँ पे। देखिए आपका UPI ID यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका। चलिए मैं आपको यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करके दिखा देता हूँ जो मैंने UPI ID यहाँ पे सेटअप करा। देखिए मैं चेक बैंक बैलेंस के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के देखिए यहाँ पे मैसेज आ चुका। देखिए यहाँ पे चलिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जो मेरा UPI पिन वो UPI पिन डाल लेता हूँ, टिक मार पे क्लिक कर देता हूँ। आपको वेटिंग करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। देखिए हमारे अकाउंट में देखिए यहाँ पे 100 रुपीज़ यहाँ पे जो है वो देखिए मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा में 100 रुपीज़ बचा था, वो देखिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। सो आप इस तरह से यहाँ पे आप फोन पे के थ्रू यहाँ पे अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे UPI ID यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि भारत के किसी के अंदर में यहाँ पे पैसा सेंड कर सकते हैं या आपका कोई सा ही बैंक हो। सो आपकी वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन आप कॉमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।